मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बादली हलके में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को अपना और पार्टी का परिवार बताया। सीएम ने कहा कि इस चुनाव में बादली की जनता ने अपना दम दिखाया तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उन्हें प्रदेश की सभी 90 सीटों पर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से प्रदेश के लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला था। सीएम ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र सरकार बनने पर अमल करने वाला है। बहुत योजनाएं बनाई किसानों की, ये कहते हैं किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अरे कर्जा आपने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में जैसा किया है हमको मालूम है। घोषणाएं कर करके झूठ बोल बोल के तो ये किया सर। उन्होंने कहा 50,000 रुपए का कर्जा माफ कर देते हैं, इसके आगे हमारे पास पैसा नहीं है। अरे हम लाखों रुपया तो ब्याज का, पेनल्टी का इससे पहले ही माफ कर चुके हैं, 4,750 करोड़ रुपए माफ किया। भाई बहनों, अभी मेरा इतना ही कहना है, दिन बचे हैं 5, और इन 5 दिनों में विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, इनेलो के लोग या इंडिपेंडेंट कोई भी आएंगे, आपको बहकाएंगे। बहकने में आप लोगों ने सावधानी बरतनी है, किसी झूठी बात पर भरोसा नहीं करना है।